एक आदमी थे दो पुत्र सन। छोटे पुत्र ने पिता नु किया, पिताजी जायदाद का जो हिस्सा मेरा है मैनू दे दियो। पिता ने दोहां पुत्रां विच अपनी जायदाद वंड दित्ती। कुछ दिनां दे मगरों छोटे पुत्र ने अपने हिस्से की सारी जायदाद वेच दित्ती। फिर वो सारा रुपया लेके एक दूर देश नू चला गया। शाबाश पुत्रा, शाबाश, तगड़ा हो तगड़ा। हाँ, उधर भी पा जाके आ दूजी खुरली च। हाँ, बुद्धुआ ये की करन दे आ? ओ अपने प्राल वेख, इदा कम हुंदा? तू रहेगा नकम्मे दा नकम्मा, तेनू नी कम करना होना। आओ बेटा आओ, सारा काम हो गया ना? आज बड़ी देर करती। हाँ पिता जी, दरअसल काम ही देर वाला सी। मैं बंजर धरती नू अपनी मेहनत नाल उपजाऊ बनावांगा, ताही ता धरती सोना उगलेगी। बेटे, मिट्टी दे नाल ता मिट्टी होना ही पैंदा है, तद किते कुदरत जाके सानू फसल दे रूप विच फल दिंदी है। तुसी बहुत थके हुए लग रहे हो बेटा, जाओ हाथ मुंह धो लो, फिर इकट्ठे खाना खांदे। चंगा पिता जी, मैं गया ते बस आया। सुन, ओ छोटा किथे आ? सुबह तो नजर ही नहीं आया, तेरे नाल काम ते नहीं गया ओ? ओ लो पिता जी, जिन्नू याद पे कर दे जी, आ गया जी। लो, शैतान दा नाम लो और शैतान हाजिर। ओए पलेओ लोको, जब दब के काम कर दियो तो दब के खाओ भी, जे दब के खाओगे नहीं तो ताकत कित्थों आएगी? मालिक मेरे को तो पहला ही काफी है। शर्माना नहीं चाहिदा, ये तुहाडा अपना ही घर है। तेनू ये सब्जी पसंद नहीं आई कि नहीं? मालिक बड़ी स्वादी है,
मैं तो मजा ले रहा। ओ भाई मजा ही लेंदे रहोगे ते खाओगे की। बेटे तुसी क्यों हर वक्त अपना कीमती वक्त बर्बाद करते रहते हो? नहीं पिताजी, मैं बस हुणे हुणे टीवी लाया सी, पढ़ रहा सी, थोड़ा थक गया ता सोचा मनोरंजन हो जाए। अच्छा पढ़ रहे सी, वेखा ता की पढ़ रहे सी। अच्छा ता यही पढ़ रहा सी तू। वेखो बेटा, हर चीज का एक वक्त हुंदा है। खेडण दे वक्त खेडो, पढ़न दे वक्त पढ़ो, परमेश्वर सब वेखदा है। तू सानू तां धोखा दे सकदा है, लेकिन उस परमेश्वर नूं धोखा नहीं दे सकदा। इस दुनिया में जो कुछ तू वेखदा है ना पुत्र, काम वासना, जीवन दा आनंद, यह सब धोखा है। मैं कई दिन तो वेख रहा कि तू पढ़ाई की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा, तो ना अपने भरा नाल हथ बटा रहा है। कम से कम नौकरों पर निगरानी रखा कर, लेकिन तैथों तो यह उम्मीद करना भी बेकार है। तुसी हर वेले दे पिछे क्यों पए रहिंदे हो? अजे न्याणा है, वड्डा हो जाएगा तो अपने आप समझ जाएगा। इहो सारा दिन बच्चे नूं टोका टाकी करना चंगा नहीं है। देखवा जे पिता जी मैनूं इसे तरह डांटदे रहणगे तो मैं इस घर विच रहण वाला नहीं। मतलब साफ है, मैनूं घर छड्डण लई मजबूर होना पवेगा। मैं अपनी मर्जी नाल जीना चाहना, मैं जायदाद विचों मेरा हिस्सा दे दियो। ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसरी। अपने प्यो नाल इंज गल कर देने, अपनी हद विच रहना सिख। आखिर असी तेरे मां प्यो हां, तेरा भला बुरा सोचना साडा फर्ज है। तेरी मां बिल्कुल ठीक कहती है, वड्डियां सामने इस तरह गल कीती जांदी है। ते परमेश्वर दी नजर ते बहुत बुरा कर्म है। मैनूं समझ नहीं आ रही कि तुसी लोग की कह रहे हो। मैनूं जायदाद विचो मैनूं मेरा हिस्सा दे दिओ। ए तू की आख रहा है पुत्तर? मैं जो कुछ कह रहा ठीक कह रहा, मैं जो कह दिता सो कह दिता, बस मैनूं मेरा हिस्सा दे दिओ। की तेरा आखिरी फैसला है? हाँ। तू समझदा क्यों नहीं पुत्र, साडा सब कुछ तेरा ही तो है। मैनू सब कुछ नहीं, मैनू बस अपना हिस्सा चाहिए, अपना हिस्सा।
जदों उस सब कुछ खर्च कर चुका सी तां उस देश विच एक पारी अकाल पै गया अति ओ कंगाल हो गया। अति ओ उस देश दे निवासियां चो एक दे कोल चला गया जिसने उसनू अपने खेतां च सूअर चारण लई कल दित्ता। ओए ओए की गल है सीधा अंदर बढ़िया ने। मालिक मैं कम की तलाश विच घूम रहा, जो भी काम है मालिक मैं कर लेता यार। मालिक बहुत दिन तो खाना नहीं खाता, मालिक मैं भुख ना मरिया जा रहा। मालिक मैनू काम जरूर दियो, मालिक मेरे उत्ते दया करो। मालिक मैं थोड़ा धनवादी होवांगा, मालिक थोड़ा धनवादी होवांगा। वो तो चंगा फिर, और तेरे वास्ते मेरे कोई कम नहीं आ। हाँ अगर तू करना चाहे तो मेरे सूरां दी सेवा कर। ठीक है मालिक मैं काम कर लिता यार। एक होर गल सुन ले, इदे बदले च मेरे कोलों किसी गल दी उम्मीद ना रखी।
एक मेहरबानी तेरे ते होर कर सकता, तू रात नू सूरां दे बाड़े जी पै जाया कर। ते खाना मालिक? जो सूर खान गए और तू भी खा लिया कर। अच्छा मालिक। ओ ते चंगा फिर, अज तो लगदा कम ते। जी मालिक। जदों वह अपने आप विच आया तां आखण लगा, मेरे पिता दे किन्ने नौकरां नूं लोड़ तों कित्थे वध खाणा मिलदा है अते मैं इत्थे भुखा मर रहा हाँ। मेरा राजा बेटा की खाएगा? आलू पराठे। और की खाएगा? खीर। खीर। इस दुनिया में जो कुछ तू वेखदा है ना पुत्र, काम वासना, बुरी नजर ते जीवन दा आनंद, ये सब धोखा है। पिताजी, ऐ स्वर्ग ते वरुत ते तुहाडी नजर विच बहुत वड्डा पाप कीता है। हुण इस योग नहीं रहा कि तुहाडा पुत्र कहावां। पिताजी, मैनूं इक नौकर दे रूप विच स्वीकार कर लिओ। मैनूं माफ कर दिओ पिताजी। मैनूं माफ कर दिओ। मैं तुहाडा गुनाहगार। मैनूं बख्श दिओ पिताजी। Thank you.
पिताजी मैं स्वर्ग दे विरुद्ध ते तुहाडी नजर विच बहुत वड्डा पाप कीता है। मैं तो हुण इस जीव भी नहीं रहा कि तुहाडा बेटा कहां वा। मैनू माफ कर दो पिताजी, मैनू माफ कर दो, मैं तुहाडा गुनाहगार हां पिताजी। नहीं बेटा नहीं, रोना नहीं, तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है बेटे, मेरी जान दे तू। मैनू मैनू पूरी उम्मीद सी कि तू एक दिन जरूर आएगा मेरे लाल। मैं हर वक्त तुम्हारा इंतजार करता रहिंदा सी, और तेरी मां रात रात पर जागती रहती सी और रोंदी रहती सी बेटे। पिताजी मैं तुहाडी आज्ञा दा पालन ना करके बहुत वड्डा पाप कीता है, बहुत वड्डा पाप, मैनू माफ कर दो पिताजी, मैनू माफ कर दो, मैनू बस एक मौका होर दो पिताजी, बस एक मौका होर, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करांगा पिताजी, कभी नहीं करांगा। बेटा बेटा बेटा, तैनू तो वेखते ही मैं अपने सारे दुख भुल चुकिया, सुबह दा भुल लिया अगर शाम नू घर आ जाए तो उसनू भुलिया नहीं कहते बेटा। तेरी मां तेरी उम्मीद बिल्कुल खो चुकी सी, लेकिन लेकिन तू साडे कोल सही सलामत पहुंच गया बेटा। एक पाप लई इस तो खुशी दी गल होर की हो सकती है कि उसका पटकिया होया बेटा सही सलामत घर वापस आ जाए। मेरे लाल सुन दी है, और बाहर आके वेख कौन आया है, तेरा बेटा। बेटा तू किथे चला गया सी फिर? मां मेनू माफ कर दे मां, मेनू माफ कर दे मां, तू अपनी की हालत बना रखी। अंदर चल। ओए पिंड वालो, ओए सुन दे ओ, मेरा बेटा जो खो गया सी अज वापस आ गया है, जो मर गया सी ओ जी उठया है। ओए रामू शामू कसीटिया, ओए किथे हो तुसी सब लोग, मेरे बेटे दे लई नवे कपड़े लेके आओ, ओदे हत्थां दे लई सोने दी अंगूठी लेके आओ, ओदे पैरां लई नवी जुत्ती खरीद के लियाओ, ओए सारे पिंड नूं दावत ते बुलाओ ताकि असी मिलके भोजन करिए, भोजन करिए ते खुशियां मनाइए।
हाँ भाई, ये अचानक बैंड बजा किस खुशी च? हजूर, छोटे मालिक आए ने। छोटे मालिक? आप जी दे निक्के भाई साहब घर वापस आए ने। उन्हां दी वापसी दी खुशी विच ही मालिक ने आस पास दे सब लोकां नूं खाने दी दावत दित्ती है। हजूर अंदर छेती चलो, मालिक तुहाडी कदे दी उड़ीक कर रहे ने। बेटा तू तू इत्थे क्यों खलोता है? पिता जी, ये सब की हो रहा है ते कादे लिए हो रहा है? ओ बेटा, तेरा छोटा भरा घर वापस आ गया है ना, इसलिए इहदे च इन्नी खुशी वाली केड़ी गल है? क्यों, तेरा छोटा भरा इन्ने अरसे दे बाद घर आया है, इस तो वड्डी खुशी दी गल होर की हो सकती है? पिता जी, तुसी मेरी वफादारी ते मेहनत दा चंगा सिला दे रहे हो। नहीं बेटा, तू मैनू गलत समझ रहा है। चल अंदर चल के अपने भरा नूं मिल। उसे भरा नूं जिहड़ा अपना हिस्सा वंडा के तुहानू अते मैनू ठुकरा के घर छड्ड गया सी? तुसी मैनू तां कदे अपने दोस्तां नाल खुशी मनाउण दा अजिहा मौका नहीं दित्ता। बेटा, तू तां हमेशा मेरे नाल है, मेरा जो कुछ भी है वो तेरा है। ये मौका ऐसिया गल्लां करदा नहीं बेटे, बल्कि ये खुशी मनाउंदा है। बेटे, तेरा छोटा भाई मर गया सी, हुण जी उठे है। उस सातों को आज के असी बैठे अच मिल जाए। अज तो लगभग 2000 वरां पहला जदों प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया विच खुशखबरी सुणाउंदे अते तमसीलां दे राहीं लोकां नूं समझाउंदे सी तां जो लोक अपने पापां तों पछतावा करन। अज असीं वी अपने पिता परमेश्वर नूं भुल के उजाड़ पुत्तर वांग संसार दे पैड़े कम्मां विच अपना जीवन बिता रहे हां अते भटक गए हां। असां सभनां ने अपना अपना राह चुन लिया है, पर पिता परमेश्वर स्वर्ग तो सब कुछ वेख रहा है। वो चाहता है कि सब लोग अपने अपने पापा तो मन फेर लैन, पछतावा करके परमेश्वर के कोल वापस परत आउण।